यहाँ का मूर्ति का। तो बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों को करना चाहते हैं कि सभी अभी पूजा अर्चना यहाँ पे प्रारंभ हो चुकी है। स्वागत है दोस्तों नायक ब्लॉग में, और आप सभी को सबसे पहले हैप्पी दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आज के इस ब्लॉग में आप लोगों को दिखाने वाला हूं बोकारो के टॉप 5 पूजा पंडाल को। तो उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम में आप लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाइए जाकर फॉलो कर लीजिए। तो आज मैं आप लोगों को इस ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ सेक्टर 9 का पूजा पंडाल, सेक्टर 2C का, सेक्टर 12 का एवं सेक्टर 4 का। और उसमें से कौन सा पूजा पंडाल आपको बेस्ट लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ, मैं आप यहाँ से सेक्टर 9 के लिए निकल रहा हूँ और मैं आपको सेक्टर 9 का व्यू दिखाने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 9 में, और इसे वैशाली मोड़ के नाम से भी जो लोग जाना करते थे। और यहाँ पे जो मेला का व्यू हुआ करता था वो बोकारो का सबसे बड़ा मेला कहा जाता था इस जगह को। लेकिन आज जो स्थिति है ना वो काफ़ी दर्दनाक स्थिति आप देख सकते हैं। अभी मैं सेक्टर 9 के वैशाली मोड़ में स्थित हूँ और यहाँ का जो पूजा पंडाल है ये आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं कितना छोटा पूजा पंडाल है, सिर्फ यहाँ पर पूजा का आदेश दिया गया है, मेला और ठेला को नहीं लगाने का आदेश है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पंडाल बना हुआ है, कोई पंडाल नहीं है, बस इसे बोला जाता है तिरपाल के रूप में बना करके इसको सजाया गया है। बाकी सिर्फ पूजा अर्चना हो रही है, लोग आ रहे हैं पूजा वूजा करके यहाँ से फिर चले जा रहे हैं। तो आपको मैं बैक कैमरा ऑन करके दिखाने वाला हूँ यहाँ का व्यू, आप बने रहिए हमारे साथ। तो सरकार के सभी गाइडलाइन और नियम और पालनों को करते हुए, नियम पालन का अनुपालन करते हुए आप देख सकते हैं किस तरह से पंडाल को बनाया गया है। और पंडाल का ना भी ना कुछ हाइट है या कुछ है, सिर्फ यहाँ पे 5 फीट की मूर्ति आपको नज़र आएगी और उससे बड़ा मूर्ति बनाने का परमिशन भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे अभी पंडाल बना हुआ है। सो दोस्तों, मैं आपको पूजा पंडाल के अंदर लेकर के चल रहा हूँ और आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर पूजा अर्चना प्रारंभ हुई थी और आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ का व्यू। आप देख सकते हैं सेक्टर 9 का ये वैशाली मोड़ का व्यू है। और यहाँ पे आपको अगर मूर्ति देखना है तो आपको सप्तमी के दिन आना पड़ेगा, सप्तमी के दिन से आपको यहाँ पे मूर्ति दिखाया जाएगा, मूर्ति का दर्शन कर सकते हैं, देवी माँ का दर्शन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। तो आप ये सेक्टर 9 का वैशाली मोड़ का पूजा पंडाल के कुछ पूजा कमेटी के सदस्य को देख रहे हैं, इन लोग दिन रात मेहनत करके यहाँ पर पूजा को प्रारंभ करवा रहे हैं। तो भैया क्या नाम हो गया आपका? विश्वनाथ। आपका भैया? रोहित कुमार। आपका भैया? निखिल कुमार आजाद। आपका भैया? कुमार। आपका भैया? शशि। तो ये सभी भैया लोग यहाँ पे मिल करके पूजा कमेटी को संभाल रहे हैं, कार्यभार को देख रहे हैं। और शाम के टाइम में जो भी भक्त लोग आते हैं दर्शन करने के लिए देवी माँ को, वो लोग को थोड़ा सहयोग भी कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों को करना चाहते हैं कि सभी भक्त को कॉपरेट करें। तो दोस्तों, आप जैसे कि सामने में देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी कुछ क्षण पहले यहाँ पे पूजा अर्चना हुई थी, देखिए। और आपको यहाँ पे सप्तमी के दिन मैं एक बार फिर से ब्लॉग बना करके दिखाऊंगा यहाँ का मूर्ति का। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, उसके बाद वीडियो का आनंद लीजिएगा। तो चलिए बने रहिए फिर वीडियो पर। सो फ्रेंड्स, आप जैसे कि देख सकते हो कि मैं बोकारो के सेक्टर 2C में स्थित हूँ, और सेक्टर 2C में किस तरह से पूजा पंडाल बना है आपको पीछे में भी मैं दिखा रहा हूँ। एक छोटा सा पूजा पंडाल बनाया गया है, कुछ ज़्यादा बड़ा पंडाल नहीं है। और इस बार कहीं भी पूरा बोकारो में पूजा पंडाल बड़ा नहीं बनेगा, ये सरकार का साफ निर्देश है। और भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं होना है, इसको लेकर के यहाँ गाइडलाइन भी किया जा रहा है। और अभी मैं आप लोगों को यहाँ का व्यू भी दिखा रहा हूँ चारों तरफ का, आप देख सकते हैं कोई मेला का आयोजन भी नहीं हुआ है, चारों तरफ एकदम ग्राउंड खाली दिख रहा होगा आपको अभी। तो चलिए अब वीडियो पर बने रहिए, मैं थोड़ा सेक्टर 2C पंडाल के करीब आपको लेकर के चलने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं आपको सेक्टर 2C वाला जो पंडाल है ना, पूजा पंडाल माँ दुर्गा की, मैं उसके करीब में लेकर के जा रहा हूँ। और आप कुछ भक्तों को भी देख सकते हैं माता का पूजा आराधना करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और आप देख सकते हैं इस तरह से पूजा पंडाल बना हुआ है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा रूप दिया गया है, सिर्फ पूजा को लेकर के अनुमति है। इसके वजह से कोई भीड़ भाड़, कोई मेला नहीं लगने वाला है। चारों तरफ का व्यू देख लीजिए, एकदम बिल्कुल ग्राउंड खाली आपको नज़र आ रहा होगा। चारों तरफ का मैं व्यू आप लोगों को दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। Yeah।
सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं आज बोकारो स्टील सिटी के धुंधी बाजार में स्थित हूं और धुंधी बाजार का मैं आज पूजा पंडाल को दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो आप पीछे में देख सकते हैं कि मैं अभी धुंधी बाजार में हूं और ये दुर्गा पूजा पंडाल का व्यू कुछ इस प्रकार से है अभी। और आप लोगों को जैसे कि पता ही है कि इस बार कहीं भी पूजा पंडाल बड़ा रूप से नहीं बनाया जा सकता, ये झारखंड सरकार का साफ निर्देश है। और मैं आपको पीछे में स्क्रीन में दिखा रहा हूँ कि आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे अभी पंडाल बना हुआ है। और आप बने रहिए, मैं बैक कैमरा ऑन करके आपको पूरा व्यू दिखाने वाला हूँ यहाँ का। सो फ्रेंड्स, आप ये सामने में जो देख रहे हैं ना, ये धुंधी बाजार का व्यू है और अभी धुंधी बाजार में किस तरह से पूजा अर्चना हो रही है मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। आप देख सकते हैं विशेष कुछ तैयारी नहीं है, अभी पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। और ये पंडाल का व्यू आप देख लीजिए, चारों तरफ का मैं दिखा रहा हूँ आपको। आप देख सकते हैं कि अभी पूजा अर्चना यहाँ पे प्रारंभ हो चुकी है और आज दुर्गा पूजा का चतुर्थी का दिन है और यहाँ पूजा प्रारंभ हो चुकी है। आप देख सकते हैं पंडाल में पूजा हो रहा है, सबसे ज्यादा भीड़ है बिहार में, हो रहा है वहाँ तो प्रॉब्लम है। अगला सो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैं अभी सिटी सेंटर के सेक्टर 4 में हूं और सेक्टर 4 का जो पूजा पंडाल है आप देख सकते हैं पीछे में, ये सेक्टर 4 का पूजा पंडाल है जो आमतौर पे आप लोगों ने बहुत पहले देखा होगा। यहाँ पे बहुत बड़ा पंडाल बना हुआ करता था और चारों तरफ मेला का आयोजन हुआ करता था, लेकिन अभी अब झारखंड सरकार का साफ निर्देश के अनुसार यहाँ पे कोई पंडाल का आयोजन नहीं किया गया है और ना ही कोई मेला का आयोजन किया गया है। तो मैं आपको पंडाल के अंदर में लेकर के जा रहा हूँ और दिखा रहा हूँ कि किस तरह से पंडाल अभी बना हुआ है। और अभी यहाँ पे फिलहाल पूजा हो रही है, आप देख सकते हैं, आपको मैं बैक कैमरा ऑन करके दिखाने वाला हूँ, तब हमारे वीडियो पर बने रहिएगा। और ये रहा सिटी सेंटर सेक्टर 4 का एक छोटा सा पंडाल, आप लोग देख लीजिए। और यहाँ अभी पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है, पूजा हो रही है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने बोकारो के टॉप 5 पूजा पंडाल को देखा और वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और उससे पहले आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा सप्तमी के दिन और बोकारो के सभी पूजा पंडाल को कवर करने वाला हूँ और सप्तमी के दिन भी दिखाऊंगा माँ दुर्गा की प्रतिमा सेक्टर 9, सेक्टर 2C और सेक्टर 4 में किस तरह से बनी हुई है। हम सेक्टर 12 में माँ का प्रतिमा दिखाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो को आप मिस नहीं करिएगा और घर बैठे ही दुर्गा पूजा का आनंद लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग सप्तमी के दिन में।